हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस 5.3 सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम ये दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन और ए माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन इसमें से ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन फार्मूला हम प्रैक्टिस 5.2 में भी यूज कर चुके हैं इसके साथ साथ हमें ए माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी यूज करना है यहां पर दोनों फॉर्मूले सेम है फर्स्ट टर्म सेम है सेकेंड टर्म सेम है थर्ड टर्म सेम है फोर्थ टर्म भी सेम है फर्स्ट टर्म यहां पर मिलता है ए क्यूब दोनों फॉर्मूले में सेकेंड टर्म में थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए स्क्र बी थर्ड टर्म थ्री ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर और फोर्थ टर्म बी रेस टू थ्री बी रेस टू थ्री फर्क ओनली साइन का है जब हम ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन लिखेंगे तो चारों टर्म्स पॉजिटिव हमें मिलती है यानी प्लस मिलती है और a b होल क्यूब का जो एक्सपेंशन हमें मिलता है उसमें साइन प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से हमें मिलता है यानी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन मिलता है एक्सपेंशन प्लस साइन से शुरू होता है और एंड में माइनस साइन मिलता है तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 5.3 के एग्जांपल्स करने वाले क्वेश्चन 1 में जो सभी एग्जांपल्स हमें करने हैं उसमें a- माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन हमें लिखना है तो क्वेश्चन वन में ओनली ये सेकेंड फार्मूला यूज होगा और क्वेश्चन टू में हमें a+ प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन भी लिखना है और a- माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन भी लिखना है तो क्वेश्चन टू में ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे चलो क्वेश्चन वन करते हैं क्वेश्चन वन इज एक्सपांड और इसमें हमें एट एग्जाम्पल्स करने हैं और हर एक एग्जाम्पल में हमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके एक्सपेंशन लिखना है चलो फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर लिखते हैं प्रैक्टिस सेट है, लिखने के लिए हम फर्स्ट सेकेंड है यूज करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब चलो आंसर लिखते हैं आंसर में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब एक्सपांशन में टोटल फोर टर्म्स हमें मिलती है और साइन प्लस माइनस प्लस माइनस गिवन एग्जांपल टू एम माइनस फाइव होल क्यूब अब यहां पर ए की वैल्यू टू एम लेंगे और b की वैल्यू फाइव लेंगे ए क्यूब यानी टू एम क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वेयर यानी टू एम स्क्वेयर इंटू बी यानी फाइव प्लस थ्री इंटू ए दैट इज टू एम इंटू बी स्क्वेयर दैट इज फाइव स्क्वेयर माइनस बी क्यूब दैट इज फाइव क्यूब Next, 2M cube, that is 8M cube, minus 3 into 2M square, that is 4M square into 5, plus 3 into 2M into 5 square, 25, minus 5 cube, 125. Next, 8M cube, माइनस अब यहां पर ये तीनों कोई का मल्टीप्लीकेशन थ्री फोर जा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी एम स्क्वेयर प्लस यहां पर भी ये तीनों कोई का मल्टीप्लीकेशन थ्री टू जा सिक्स सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स सिक्सा वन फिफ्टी एम माइनस वन ट्वेंटी फाइव एंड दिस इज द आंसर इसके बाद एग्जाम्पल टू करेंगे एग्जाम्पल टू फोर माइनस पी होल क्यूब आंसर में सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब गिवन एग्जाम्पल फोर माइनस पी होल क्यूब तो यहां पर a का वैल्यू फोर लेंगे और b का वैल्यू p लेंगे ए क्यूब That is 4 cube minus 3 into a square, that is 4 square into b, that is p plus 3 into a, that is 4 into b square, that is p square minus b cube, that is p cube. Next, 4 cube is 64 minus 3 into 4 square 16 into p plus 3 4s are 12 p square minus p cube. Next 64 minus 3 and 16 multiplication 16 3s are 48 p plus 12 p square minus p cube. एंड दिस इज द आंसर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर थ्री करेंगे एग्जाम्पल थ्री सेवन एक्स माइनस नाइन वाई होल क्यूब आंसर में सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया गिवन एग्जाम्पल सेवन एक्स माइनस नाइन वाई होल क्यूब फॉर्मूले में ए के जगह पर सेवन एक्स पुट करेंगे और बी के जगह पर नाइन वाई पुट करेंगे A cube that is 7x cube minus 3 into a square that is 7x square into b that is 9y plus 3 into a that is 7x into b square that is 9y square minus b cube that is 9y cube. Next seven x cube that is three forty three x cube minus three into seven x square that is forty nine x square into nine y plus three into seven x into nine y square that is eighty one y square माइनस नाइन वाई का क्यूब दैट इज सेवन ट्वेंटी नाइन वाई क्यूब नेक्स्ट थ्री फोर्टी थ्री एक्स क्यूब माइनस सेकेंड टर्म में ये तीनों कोई पिटंस का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा थ्री इंटू फोर्टी नाइन इंटू नाइन थ्री इंटू फोर्टी नाइन इंटू नाइन पहले थ्री और फोर्टी नाइन का मल्टीप्लीकेशन थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन कैरी टू थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन इंटू नाइन नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री कैरी सिक्स नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस सिक्स

थर्ड टर्म में ये तीनों कोई पेशेंट्स का मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू सेवन इंटू एटी वन थ्री इंटू सेवन इंटू एटी वन ये पहले थ्री एज इट इज रखेंगे और सेवन से एटी वन को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन वन झा सेवन सेवन एटा फिफ्टी सिक्स फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन कैरी टू थ्री सिक्स एटीन प्लस टू ट्वेंटी अगेन कैरी टू थ्री फाइव फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड वन तो यहां पर हमें थर्ड टर्म में कोई पिशन मिल गया वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड वन एंड वेरिएबल्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म सेवन ट्वेंटी नाइन वाई क्यू एंड दिस इज द आंसर आंसर में एक्सपेंशन में हमें चारों टर्म्स मिल गए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर करेंगे एग्जाम्पल फोर में फिफ्टी एट के क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहां पर हम फिफ्टी एट को बाइनोमियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे 58 को 60 -2 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और फिर ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके फिफ्टी एट क्यूब का वैल्यू फाइंड करेंगे आंसर में फिफ्टी एट क्यूब को बाइनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिक्सटी माइनस टू क्यूब फिर फॉर्मूला ए माइनस बी होल क्यूब का यूज करेंगे दैट इज ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस फिर फिफ्टी एट हमें लिखना है वह हम सिक्सटी माइनस टू के फॉर्म में लिखेंगे सिक्सटी माइनस टू होल क्यूब इक्वल टू अब ए के जगह पर सिक्सटी पुट करेंगे और बी के जगह पर टू पुट करेंगे ए क्यूब मीन्स सिक्सटी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर दट इज सिक्सटी स्क्वेयर इंटू बी दट इज टू प्लस थ्री इंटू ए दैट इज सिक्सटी इंटू बी स्क्र दट इज टू स्क्वेयर माइनस बी क्यूब दैट इज टू क्यूब नेक्स्ट सिक्सटी का क्यूब लिखना है पहले सिक्स का क्यूब लिखेंगे टू वन सिक्स एक जीरो है क्यूब करने पर तीन जीरो हो जाएंगे टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड माइनस थ्री इंटू सिक्सटी का स्क्वायर लिखना है पहले सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स एक जीरो है स्क्वायर करने पर दो जीरो हो जाएंगे इंटू टू प्लस थ्री इंटू सिक्सटी इंटू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू का क्यूब एट नेक्स्ट टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड माइनस अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्री टू सा सिक्स एंड सिक्स इंटू थर्टी सिक्स सिक्स और थर्टी सिक्स का मल्टीप्लीकेशन टू एंड सिक्स आता है और ये ऊपर के दो जीरो एज इट इज ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन थ्री फोर जा ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्सा सेवेंटी टू और ये एक जीरो सेवन ट्वेंटी माइनस एट अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव है और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म निगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे लेख सिक्सटीन थाउजेंड प्लस सेवन ट्वेंटी पॉजिटिव टर्म्स और ये दोनों निगेटिव टर्म्स में से भी निगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो फिर ब्रैकेट में हमें मिलेगा ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस एट माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए ये दोनों टर्म्स का साइन प्लस हो गया नेक्स्ट अब ये दोनों नंबर्स का एडिशन यूनिट्स प्लेस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लेस टू प्लस जीरो टू हंड्रेड प्लेस सेवन प्लस जीरो सेवन और ये बाकी के डिजिट्स एज इट इज सिक्स वन टू माइनस यहां पर भी ये दोनों नंबर्स के एडिशन यूनिट्स प्लेस एट प्लस जीरो एट और ये बाकी के सभी डिजिट्स एज इट इज जीरो सिक्स वन एन अब ये दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा पहला नंबर है टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी माइनस दूसरा नंबर है ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट अब इनका सब्ट्रैक्शन जीरो में से एट तो सब नहीं होगा तो यहां से बोरो लेंगे यहां से एक बोरो लेंगे तो यहां पर वन बचेंगे और जो बारो लिया वो यहां पर आके टेन हो जाएगा टेन माइनस एट टू वन माइनस जीरो वन सेवन माइनस सिक्स वन सिक्स माइनस वन फाइव वन में से टू सब नहीं होगा अगेन यहां से बारो लेंगे यहां पर वन बचेगा और जो बारह लिया वो यहां पर आके एलेवन हो जाएगा एलेवन माइनस टू नाइन और ये वन एज इट इज तो आंसर आ गया वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो ये दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व और यही सिक्सटी माइनस टू का क्यूब है यानी फिफ्टी एट का क्यूब है सो फिफ्टी एट क्यूब इज इक्वल टू वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व आंसर हमें मिल गया इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फाइव करेंगे एग्जाम्पल फाइव में 198 का क्यूब हमें फाइंड करना है तो यहां पर हम 198 को स्प्लिट करेंगे बायनोमेल के फॉर्म में 198 नाइन्टी एट क्यूब इज इक्वल टू टू हंड्रेड माइनस टू क्यूब और फिर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने फॉर्मूला यहां पर लिख लिया 198 नाइन्टी एट क्यूब हमें लिखना है वो हम स्प्लिटिंग के फॉर्म में लिखेंगे टू हंड्रेड माइनस टू होल क्यूब अब फॉर्मूले में ए के जगह पर, पर टू हंड्रेड और बी के जगह पर टू पुट करेंगे ए क्यूब यानी टू हंड्रेड क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर यानी टू हंड्रेड स्क्वायर इंटू बी दैट इज टू प्लस थ्री इंटू ए दैट इज टू हंड्रेड इंटू बी स्क्वायर दैट इज टू स्क्वेयर माइनस बी क्यूब दैट इज टू क्यूब नेक्स्ट टू हंड्रेड का क्यूब लिखना है तो पहले टू का क्यूब लिखो टू का क्यूब एट अब यहां पर दो जीरो है तो क्यूब करने पर सिक्स जीरो हो जाएंगे यानी एटी लाख माइनस थ्री इंटू टू हंड्रेड का स्क्वायर करना है तो पहले टू का स्क्वायर फोर और दो जीरो है तो स्क्वायर करने पर फोर जीरो मिलेंगे इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू हंड्रेड इंटू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू क्यूबीज एट नेक्स्ट एटी लैख माइनस यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्री टू जा सिक्स सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और ये चार जीरोज यानी टू लैख फोर्टी थाउजेंड यह नंबर बन गया प्लस यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन थ्री फोर जा ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर और ये दो जीरो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस एट अब यहां पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव है और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म निगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म्स हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और निगेटिव टर्म्स दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एटी लैख प्लस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड निगेटिव टर्म्स में से निगेटिव साइन हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस एट नेक्स्ट ये दोनों नंबर्स का एडिशन यूनिट्स प्लेस डिजिट्स की सम जीरो टेंस प्लेस जीरो प्लस जीरो जीरो हंड्रेड प्लस फोर प्लस जीरो फोर थाउजेंड्स प्लस टू प्लस जीरो टू और ये बाकी के डिजिट्स एज इट इज जीरो जीरो एट माइनस ये दोनों नंबर्स की भी एडिशन यूनिट्स प्लेस डिजिट्स की सम एट और ये बाकी के डिजिट्स एज इट इज जीरो 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 फोर और टू अब ये दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन यानी हमारा फाइनल आंसर रहेगा एटी लैख टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस टू लैख फोर्टी थाउजेंड एंड एट एटी लैख टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस टू लैख फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड अब यहां पर जीरो में से एट तो सब नहीं होगा तो यहां से हमें बोरो लेना पड़ेगा यहां से एक बोरो लेंगे तो यहां पर थ्री बचेंगे और जो बोरो लिया वो यहां पर आएगा यहां पर टेन बन जाएंगे अब यहां से आगे हम वन बोरो लेंगे तो यहां पर नाइन बचेंगे और जो बोरो लिया वो यहां पर आएगा तो टेन बन जाएगा टेन माइनस एट टू नाइन माइनस जीरो नाइन थ्री माइनस जीरो थ्री टू एज इट इज टू माइनस जीरो मीन टू जीरो में से फोर सब नहीं होगा तो अगेन बारह लेंगे यहां से बारह मिलेगा यहां पर सेवन बचेंगे जो बारह लिया वो यहां पर आएगा टेन हो गया यहां से आगे वन बारोह लेंगे तो यहां पर नाइन बचेंगे और जो बारह लिया वो यहां पर आके टेन हो जाएगा टेन माइनस फोर सिक्स फिर नाइन माइनस टू सेवन और सेवन एज इट इज सेवेंटी सेवन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी टू यह हमारा फाइनल आंसर मिल गया ये दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन सेवेंटी सेवन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी टू एंड दिस इज द होल क्यूब ऑफ वन नाइंटी एट टू हंड्रेड माइनस टू मीन्स वन एट इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सिक्स करेंगे एग्जाम्पल सिक्स टू पी माइनस वन बाय टू पी होल क्यूब आंसर में सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया गिवन एग्जाम्पल टू पी माइनस वन बाय टू पी होल क्यूब अब यहां पर एक एक जगह पर टू पी पुट करेंगे और बी के जगह पर वन बाय टू पी पुट करेंगे ए क्यूब दैट इज टू पी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वेयर दैट इज टू पी स्क्वेयर इंटू बी दैट इज वन बाय टू पी प्लस थ्री इंटू ए दैट इज टू पी इंटू बी स्क्वेयर दैट इज वन बाय टू पी स्क्वेयर माइनस

पी स्क्वेयर को टू पी इंटू टू पी लिखने से क्या होगा ये टू पी टू पी कैंसिल करना इजी हो जाएगा प्लस थ्री इंटू टू पी इंटू वन बाय टू पी स्क्वेयर को हम वन बाय फोर पी स्क्वेयर नहीं लिखेंगे इसे हम वन बाय टू पी इंटू वन बाय टू पी लिखेंगे माइनस लास्ट टर्म वन बाय टू पी का क्यूब है तो वन का क्यूब वन और टू पी का क्यूब एट पी क्यूब तो यहां पर भी वन बाय टू पी स्क्वेयर को वन बाई टू पी इंटू वन बाई टू पी लिखने से क्या होगा ये टू पी टू पी कैंसिल करना इजी हो जाएगा नेक्स्ट एट पी क्यूब माइनस अब यहां पर यह डिनोमीटर के 2p पी न्यूमोरेटर के 2p कैंसिल हो जाएंगे तो ओनली 3 इंटू टू पी इंटू वन दैट इज मल्टीप्लीकेशन आएगा 6p पी प्लस यहां पर भी ये न्यूमोरेटर के 2p और एक डिनोमीटर के 2p कट हो जाएंगे तो न्यूमोरेटर में 3 इंटू वन इंटू वन दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2p पी माइनस लास्ट टर्म वन अपॉन एट पी क्यूब दिस इज द आंसर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेवन करेंगे एग्जाम्पल सेवन वन माइनस वन बाय ए होल क्यूब आंसर में सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया गिवन एग्जाम्पल वन माइनस वन बाय होल क्यूब फॉर्मूले में ए के जगह पर वन पुट करेंगे और बी के जगह पर वन बाय ए पुट करेंगे ए क्यूब That is 1 cube minus 3 into a square, that is 1 square into b, that is 1 by a plus 3 into a, that is 1 into b square, that is 1 by a square minus b cube, that is 1 by a cube. Next, 1 cube is 1. माइनस थ्री इंटू वन स्क्वेयर इज वन इंटू वन बाय ए प्लस थ्री इंटू वन इंटू वन बाय ए स्क्वेयर इज वन बाय ए स्क्वेयर माइनस वन बाय ए क्यूब इज वन बाय ए क्यूब नेक्स्ट वन माइनस अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्री इंटू वन इंटू वन

आंसर में सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया गिवन एग्जांपल, एक्स बाय थ्री माइनस थ्री बाय एक्स होल क्यूब अब फॉर्मूले में ए के जगह पर एक्स बाय थ्री लेंगे और बी के जगह पर थ्री बाय एक्स लेंगे ए क्यूब दैट इज एक्स बाय थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वेयर That is x by three square into B, that is three by x plus three into A, that is x by three into B square, that is three by x square minus B cube, that is three by x cube. नेक्स्ट एक्स बाय थ्री क्यूब दैट इज एक्स क्यूब अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री इंटू एक्स बाय थ्री स्क्वेयर तो इसे हम एक्स बाय थ्री इंटू एक्स बाय थ्री लिखेंगे इंटू थ्री बाय एक्स अब यहां पर एक्स बाय थ्री स्क्वेयर को एक्स बाय थ्री इंटू एक्स बाय थ्री लिखने से क्या होगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा थ्री थ्री कैंसल हो जाएगा प्लस थ्री इंटू एक्स बाय थ्री इंटू थ्री बाय एक्स स्क्वायर को हम थ्री बाय एक्स इंटू थ्री बाय एक्स लिखेंगे माइनस थ्री बाय एक्स क्यूब दैट इज थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन अपॉन एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ट्वेंटी सेवन अपॉन एक्स क्यूब अब यहां पर भी थ्री बाय एक्स स्क्वेयर को थ्री बाय एक्स इंटू थ्री बाय एक्स लिखने से क्या होगा ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट एक्स क्यूफ अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस अब यहां पर देखो क्या क्या कैंसिल होता है ये डिनोमीटर के और न्यूमिटर के कैंसिल, ये थ्री थ्री कैंसिल और ये थ्री थ्री भी कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमीटर के तो यहां पर ओनली एक्स गए सो सेकंड टर्म बन गया एक्स प्लस यहां पर क्या क्या कैंसिल होगा न्यूमरेटर का एक्स और डिनोमीटर का एक्स न्यूमरेटर का थ्री और डिनोमीटर का थ्री कैंसिल बस इसके बाद अभी कुछ नहीं कैंसिल होगा यह बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन थ्री इंटू थ्री नाइन अपॉन एक्स और लास्ट में ट्वेंटी सेवन अपॉन एक्स क्यूब एंड दिस इज द आंसर इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टू सिंपलीफाई और यहां पर हमें चार एग्जांपल्स करने हैं और हर एक एग्जांपल एक में हमें ये दोनों फार्मूला यूज करने पड़ेंगे एक ब्रैकेट का एक्सपानशन हमें इसमें से एक फार्मूला यूज करके होगा दूसरे ब्रैकेट का एक्सपेंशन दूसरा फार्मूला यूज करके होगा और फिर हमें जो दोनों एक्सपांशन मिलेंगे उसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बची हुई टर्म्स का एडिशन करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा चलो फर्स्ट एग्जांपल का आंसर लिखते हैं क्वेश्चन टू का फर्स्ट एग्जांपल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस टू ए माइनस बी होल क्यूब तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन हम ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे और ये सेकंड ब्रैकेट का एक्सपांशन ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे आंसर में सबसे पहले गिवन एग्जाम्पल लिखेंगे टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस टू ए माइनस बी होल क्यूब दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स सेम है टू ए टू ए बी बी ओनली साइन डिफरेंट है तो एक्सपेंशन में हमें जो टर्म्स मिलेंगी हर एक एक्सपेंशन में चार चार टर्म्स वो तो सेम मिलेंगे टू ए प्लस बी का एक्सपेंशन लिखेंगे यहां पर फॉर्मूले में ए के जगह पर टू ए पुट करेंगे और बी के जगह पर बी पुट करेंगे तो ए क्यूब यानी टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर यानी टू ए स्क्वेयर इंटू बी दैट इज बी प्लस थ्री इंटू ए दैट इज टू ए इंटू बी स्क्वेयर दट इज बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब दैट इज बी क्यूब तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन हमें मिल गया फिर उसके बाद माइनस साइन है और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट का एक्सपांशन टू ए माइनस बी होल क्यूब इसके लिए हम सेकेंड फॉर्मूल यूज करेंगे तो ए क्यूब यानी टू ए क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वेयर दैट इज टू ए स्क्वायर इंटू बी दी प्लस थ्री इंटू ए दैट इज टू ए इंटू बी स्क्वेयर दैट इज बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब दैट इज बी क्यूब तो यह सेकेंड ब्रैकेट का भी एक्सपेंशन मिल गया आगे का सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन टू ए क्यूब दैट इज एट ए क्यूब प्लस थ्री इंटू टू ए स्क्वेयर दैट इज फोर ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू टू ए इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब माइनस सेकेंड ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन टू ए क्यूब एट ए क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस थ्री इंटू टू ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट के आगे सिंप्लीपिकेशन एट ए क्यूब प्लस अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्री फोर जार ट्वेल्व ए स्क्वेयर बी यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन प्लस थ्री टू जार सिक्स ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब माइनस दूसरा ब्रैकेट एट ए क्यूब माइनस मल्टीप्लीकेशन थ्री फोर जार ट्वेल्व ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री टू जार सिक्स ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब अभी ब्रैकेट में का सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे एट ए क्यूब प्लस ट्वेल्व ए स्क्वेयर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब अब यहां पर ये सेकेंड ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो ये माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस एट ए क्यूब है तो ये माइनस एट ए क्यूब हो जाएंगे फिर उसके बाद माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व ए स्क्वेयर बी उसके बाद माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स ए बी स्क्वेयर और माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी क्यूब इसके बाद अभी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे देखो ये पहला टर्म एट ए क्यूब और ये माइनस एट ए क्यूब यह दोनों टर्म्स प्लस माइनस है तो ये कैंसिल उसके बाद ये प्लस सिक्स ए बी स्क् और ये माइनस सिक्स ए बी स्क् टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस है और ये दोनों टर्म सिमिलर टर्म्स है वेरिएबल्स के पावर सेम है यानी ये सिमिलर टर्म्स है लाइक टर्म्स है तो इनके हम एडिशन कर सकते हैं और ये भी लाइक टर्म्स है तो ये ट्वेल्व ए स्क्र बी और ट्वेल्व ए स्क्र भी हो जाएगा ट्वेंटी फोर ए स्क्वेयर बी और प्लस ये बी क्यूब यानी वन बी क्यूब है और ये भी वन बी क्यूब है तो वन बी क्यूब प्लस वन बी क्यूब दैट इज टू बी क्यूब एंड दिस इज द आंसर इसके बाद एग्जांपल नंबर टू करेंगे एग्जांपल टू थ्री आर माइनस टू के होल क्यूब प्लस थ्री आर प्लस टू के होल क्यूब तो फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन करने के लिए ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे और सेकंड ब्रैकेट का एक्सपांशन लिखने के लिए ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन गिवन एग्जांपल थ्री आर माइनस टू के होल क्यूब प्लस थ्री आर प्लस टू के होल क्यूब दोनों ब्रैकेट्स में ए का वैल्यू थ्री आर आएगा और बी का वैल्यू टू के आएगा नेक्स्ट ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे यानी ए क्यूब ए का वैल्यू थ्री आर है दैट इज थ्री आर क्यूब माइनस ए माइनस बी का एक्सपांशन हम लिख रहे हैं तो साइन प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा तो सेकेंड साइन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर दैट इज थ्री आर स्क्वेयर इंटू बी टू के प्लस three into a that is three r into b square that is two k square minus b cube that is two k cube दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस साइन है प्लस सेकंड ब्रैकेट का एक्सपांशन ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज ए क्यूब थ्री आर क्यूब प्लस अब यहां पर ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो चारों टर्म्स हमें प्लस आएंगे प्लस थ्री इंटू ए इज द्री आर स्क्वायर इंटू बी टू के प्लस थ्री इंटू ए थ्री आर इंटू बी स्क्वायर टू के स्क्वायर प्लस बी क्यूब दैट इज टू के क्यूब टर्म्स हमें सेम ही आने वाली है क्योंकि गिवन ब्रैकेट सेम है नेक्स्ट स्ट ब्रैकेट में सिंपलीफिकेशन, थ्री क्यूब दैट इज ट्वेंटी क्यूब माइनस 3 इंटू थ्री आर स्क्वेयर दाइन आर स्क्वेयर इंटू टू प्लस 3 इंटू थ्री आर इंटू टू के स्क्वेर माइनस टू क्यूब दैट इज एट क्यूब प्लस दूसरा ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन थ्री आर क्यूब दैट इज ट्वेंटी सेवन आर क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री आर स्क्वेयर दैट इज नाइन आर स्क्वेयर इंटू टू के प्लस थ्री इंटू थ्री आर इंटू टू के स्क्वेयर दैट इज फोर के स्क्वेयर प्लस टू के क्यूब दैट इज एट के क्यूब नेक्स्ट अब ये सेकेंड और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट ट्वेंटी सेवन आर क्यूब माइनस अब यहां पर थ्री इंटू नाइन इंटू टू थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर सो कोई पेशेंट आ गया फिफ्टी फोर एंड वेरिएबल्स आर स्क्वेयर के प्लस यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू थ्री इंटू फोर थ्री थ्री सा नाइन नाइन फोर सा थर्टी सिक्स एंड वेरिएबल्स आर के स्क्वेयर माइनस एट के क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट ट्वेंटी सेवन आर क्यूब प्लस यहां पर भी थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर आर स्क्वेयर के प्लस थ्री थ्री जा नाइन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स आर के स्क्वेयर प्लस एट के क्यूब अब इसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ट्वेंटी सेवन आर क्यूब माइनस फिफ्टी फोर आर स्क्वेयर के प्लस थर्टी सिक्स आर के स्क्वेयर माइनस एट के अब सेकेंड ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ये प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे सेकेंड ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनके साइन एज इट इज रहेंगे तो प्लस 27 r क्यूब प्लस फिफ्टी फोर आर स्क्वेयर के प्लस थर्टी सिक्स आर के स्क्वेयर एंड प्लस एट के क्यूब अब इसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जैसे कि ये माइनस फिफ्टी फोर आर स्क्वेयर के और प्लस फिफ्टी फोर आर स्क्वेयर के ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद ये माइनस एट के क्यूब और प्लस एट के क्यूब ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे और ये सेम साइन वाले टर्म्स की एडिशन होगी ट्वेंटी सेवन आर क्यूब ट्वेंटी सेवन आर क्यूब दैट इज फिफ्टी फोर आर क्यूब प्लस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स सेवेंटी टू आर के स्क्वायर और ये हमारा आंसर है इसके बाद एग्जाम्पल नंबर थ्री करेंगे एग्जाम्पल थ्री फोर ए माइनस थ्री होल क्यूब माइनस फोर ए प्लस थ्री होल क्यूब तो फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपांशन a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके करेंगे आंसर गिवन एग्जाम्पल फोर ए माइनस थ्री होल क्यूब माइनस फोर ए प्लस थ्री होल क्यूब दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म भी सेम है यानी दोनों फॉर्मूले में ए की वैल्यू फोर ए लेंगे और बी की वैल्यू थ्री लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन ए का वैल्यू फोर ए है तो ए क्यूब यानी फोर ए क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर

ए प्लस बी होल क्यूब यानी चारों टर्म्स पॉजिटिव हमें मिलेंगे ए क्यूब दैट इज फोर ए क्यूब प्लस थ्री इंटू फोर ए स्क्वे इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू ए बी स्क्वेयर दैट इज फोर ए इंटू थ्री स्क्वेयर प्लस बी क्यूब दैट इज थ्री क्यूब तो ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन Okay, again, simplification first bracket 4a cube that is 64a cube minus 3 into 4a square that is 16a square into 3 plus 3 into 4a into 3 square is 9 minus 3 cube is 27 minus सेकेंड ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन फोर ए क्यूब दैट इज सिक्सटी फोर ए क्यूब प्लस थ्री इंटू फोर ए स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन ए स्क्वायर इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर ए इंटू थ्री स्क्वायर इज नाइन प्लस थ्री क्यूब इज ट्वेंटी सेवन अब नेक्स्ट स्टेप में ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू सिक्सटीन इंटू थ्री देखो थ्री थ्री सा नाइन और सिक्सटीन और नाइन का मल्टीप्लीकेशन सिक्सटीन नाइन सा वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर ए स्क्वेयर प्लस यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू फोर इंटू नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व 12 lines are 108 into a minus माइनस plus second प्लस 64 ब्रैकेट cube plus क्यूब प्लस अब यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन 3 into 16 into 9 ये भी मल्टीप्लिकेशन 144 ही आएगा 16 नाइनजा वन 144 a ए प्लस यहां पर भी थ्री फोर जा नाइन जा हंड्रेड एंड एट ए प्लस ट्वेंटी सेवन अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे सॉरी यहां पर माइनस साइन है पहला ब्रैकेट सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस वन फोर्टी फोर ए स्क्वेयर प्लस 108a हंड्रेड एंड माइनस ट्वेंटी सेवन सेकेंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा तो यहां पर सबका साइन प्लस है तो चेंज होने से सबका माइनस हो जाएगा यानी माइनस सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस वन फोर्टी फोर ए माइनस वन हंड्रेड एंड एट ए एंड माइनस सेवन अब इसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और ये सेम साइन वाले टर्म्स जो रहेंगे उनकी एडिशन होगी माइनस वन फोर्टी फोर माइनस वन फोर्टी फोर दैट इज माइनस टू एटी एट टू एटी एट ए स्कोयर ए लाइक एज इट इज माइनस यहां पर ये यह दोनों टर्म्स का भी साइन माइनस है तो इनकी भी सम होगी और वो सम माइनस ही आने वाली है तो इसलिए यहां पर माइनस है आ गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन फिफ्टी फोर और यही हमारा फाइनल आंसर है इसके बाद एग्जांपल नंबर फोर करेंगे एग्जांपल फोर फाइव एक्स माइनस सेवन वाई होल क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन वाई होल क्यूब फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करके करेंगे सोल्यूशन गिवन एग्जाम्पल फाइव एक्स माइनस सेवन वाई होल क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन वाई होल क्यूब फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब दैट इज फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वेयर दैट इज फाइव एक्स स्क्वेयर इंटू बी सेवन वाई प्लस थ्री इंटू ए दैट इज फाइव एक्स इंटू बी स्क्वेयर सेवन वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब दैट इज सेवन वाई क्यूब दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस आईने सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपांशन ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब दैट इज फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वेयर फाइव एक्स स्क्वायर इंटू बी सेवन वाई प्लस थ्री इंटू ए फाइव एक्स इंटू बी स्क्वेयर सेवन वाई स्क्र प्लस बी क्यूब That is 7y cube. Next simplification 5x car cube that is 125x cube minus 3 into 5x square that is 25x square into 7y plus 3 into 5x into 7y car square. फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई का क्यूब दैट इज थ्री फोर्टी थ्री वाई क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन सेम टर्म्स मिलेंगे फाइव एक्स का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव एक्स का स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर इंटू सेवन वाई प्लस थ्री इंटू फाइव एक्स इंटू फोर्टी सेवन वाई का स्क्वायर फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री वाई क्यूब नेक्स्ट अब ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब माइनस अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव इंटू सेवन सेवन फाइव थर्टी फाइव कैरी थ्री सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन प्लस थ्री फिफ्टी टू तो मल्टीप्लीकेशन आ गया फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो यहां पर सेकेंड टर्म में कोई पिशन हमें मिल गया फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स वाई ओके ये एक्सप्लेन ए मल्टीप्लीकेशन हमारा चल रहा है प्लस थर्ड टर्म में थ्री इंटू फाइव इंटू फोर्टी नाइन ये तीनों का भी मल्टीप्लीकेशन थ्री इंटू फाइव इंटू फोर्टी नाइन थ्री एज इट इज फाइव से मल्टीप्लाई करो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव कैरी फोर फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर फिर थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री फाइव जा फिफ्टीन कैरी वन थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन कैरी वन थ्री टू झा सिक्स प्लस वन सेवन सेवन थर्टी फाइव तो यहां पर थर्ड टर्म में कोई पेशेंट हमें मिल गया सेवन थर्टी फाइव

ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सेवन थर्टी फाइव एक्स वाई स्क्वेयर प्लस थ्री फोर्टी थ्री वाई क्यूब इसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब माइनस फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वेयर वाई प्लस सेवन थर्टी फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री फोर्टी थ्री वाई क्यू दूसरे ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है नहीं? तो ब्रैकेट के साइन एज इट इज रहेंगे प्लस वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वेर वाई प्लस सेवन थर्टी फाइव एक्स वाई स्क्वेयर प्लस थ्री फोर्टी थ्री वाई क्यूब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ये माइनस फाइव ट्वेंटी फाइव और प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा लास्ट में माइनस थ्री फोर्टी थ्री और प्लस थ्री फोर्टी थ्री वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स से इनका एडिशन होगा ये दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स से इनका एडिशन होगा 125 ट्वेंटी फाइव प्लस वन दैट इज 250 फिफ्टी टू फिफ्टी एक्स क्यूब और यहां पर भी प्लस साइन है 735 थर्टी फाइव प्लस सेवन थर्टी फाइव फाइव प्लस फाइव टेन क्य प्लस थ्री सिक्स प्लस वन सेवन और ये सेवन प्लस सेवन फोर्टीन वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एंड वेरिएबल्स एक्स वाई स्क्वायर और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स इसके साथ ही प्रैक्टिस एट 5.3 कंप्लीट हुआ जिसमें हमने a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले का एक्सपांशन लिखने का प्रैक्टिस किया नेक्स्ट वीडियो में 5.4 का स्टडी करेंगे थैंक यू